हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ भारत के ऐसे कानून, जो अजब गजब कानून है जो हर भारतीय को जानना चाहिए। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं अजब गजब तथ्य, जिसमें से पहला है, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार हर महिला को जानना चाहिए, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले तक किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से परमिशन ना ले ली जाए, वो भी लिखित में। तो दूसरा, ये कुछ मजेदार है, कोई भी होटल हो, चाहे 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, कोई सा भी हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है। मतलब कि आप किसी भी बड़े से बड़े होटल में जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्री में वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, है ना जब गजब। ये हर उस महिला को जानना चाहिए जो गर्भवती है और कहीं नौकरी कर रही है। कोई भी कंपनी हो, किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। यहाँ पर एक और है, यदि पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना कर देता है, तो वहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर को जो मना करता है उसको 6 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है। एक और, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है, तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कोई वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ड्राइविंग के वक्त अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या ना पहनी। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से शिकायत करता है, तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। उसको मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म में रहे या ना रहे, वो हमेशा ड्यूटी पर होता है। केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार करके थाने में ला सकती है। यदि किसी महिला को गिरफ्तार करना है, तो उसे महिला अधिकारी ही चाहिए, पुरुष उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो यह गैर कानूनी नहीं है। इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है, और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, शादी नहीं है, फिर भी उनको गैर कानूनी नहीं है। और एक और गजब, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है, जिसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, व्यभिचार, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर चले जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई धर्म अपना लेना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, मतलब जिसका कोई इलाज ना हो, वैराग्य लेने, और 7 साल तक अता पता ना होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट में आ गया कि 7 साल तक उसका कुछ पता नहीं चलता, तो तलाक की अर्जी दी जा सकती है कोर्ट में। भारत के कुछ और गजब तथ्य हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाता है, तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हैं। यह सभी भारतीयों को जानना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं, तो यह रिश्वत की श्रेणी में ही आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि हर गिफ्ट ऐसे रिश्वत की श्रेणी में आता है।
यदि आपका किसी दिन चालान काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए चालान नहीं काटा जा सकता। यदि आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पर अगर आपका एक बार चालान कट गया तो दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित मूल्य यानी कि जो मूल्य उसमें लिखा हुआ है उससे अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, लेकिन उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकता है, लेकिन अधिक में वो दुकानदार नहीं बेच सकता है। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 3 साल के अंदर आप करते हैं तो आपको सैलरी के साथ कुछ और भी कंपेंसेशन दिलाया जा सकता है। और एक ये गजब प्रश्न थे जो जीके के बतौर ऑस्ट्रेलिया की कोच जेम्स कुक ने की थी। ये रहे कुछ आज भारतीय कानून के कुछ अजब गजब तथ्य जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए था।